नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमित और आज हम चेकआउट कर रहे हैं दी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन। अब ये गाड़ी ऑल ब्लैक्ड आउट में काफी अच्छी लग रही है और हम आपको इस गाड़ी का एक क्विक वॉक अराउंड देंगे और इस गाड़ी के प्राइस स्टार्ट होते हैं 10.4 लाख रुपीज एक शोरूम से। तो इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आपको इस गाड़ी का एक क्विक वॉक अराउंड देंगे। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसको पूरा ब्लैक्ड आउट एक ग्रिल मिला है और हेडलाइट की बात करें तो लो बीम के लिए प्रोजेक्टर और हाई बीम के लिए एक रिफ्लेक्टर यूज किया गया है। हेडलाइट के साइड में भी एक नेक्सॉन की बैजिंग है जो कि ब्लैक्ड आउट है और आप लोअर बंपर पे देख सकते हो इसको सर्कुलर फॉग लैंप और उसके चारों तरफ की जो एलिमेंट्स है वो भी ब्लैक्ड आउट है। अब एक चीज सिर्फ इसका आप देख सकते हो, ये ग्रेश में फिनिश्ड है जो ये स्ट्रिप रन कर रही है हेडलाइट के आर पार। अगर ये भी और लोअर बंपर पे भी आप जो देखेंगे, अगर ये भी पूरा ब्लैक्ड आउट होता तो ओवरऑल गाड़ी का जो है वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। बट आप देख सकते हैं इसको जो ये एक्सटीरियर कलर मिलता है, इस कलर का नाम है एटलस ब्लैक एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मिलता है 16 इंच के व्हील्स जो कि चारकोल ब्लैक में फिनिश्ड हैं और वो काफी अच्छे लगते हैं। एंड ये रहा आपका ऑल ब्लैक्ड आउट जो हेडलाइट पे बैजिंग है नेक्सॉन का एंड साइड फेंडर पे आपको एक डार्क का बैजिंग मिलेगा जो कि क्रोम में फिनिश है। अगर आप इसका ए पिलर देखेंगे तो ए पिलर इसका मैट में फिनिश है। एक्चुअली ए पिलर और इसका सी पिलर जो है, इनफैक्ट बी पिलर भी, वो मैट में फिनिश है। वो जो है ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है जो ये मैट और फिर एकदम से ग्लॉस ब्लैक हो जा रहा है। एंड आपको एक ग्लॉस ब्लैक शार्क फिन एंटेना भी मिलता है लेकिन रूफ रेल जो है इसके ये ऑल ब्लैक नहीं है, फंक्शनल रूफ रेल है। अगर ये ऑल ब्लैक होते तो काफी अच्छे होते। आप देख सकते हैं जो स्ट्रिप भी रन कर रही है ये भी ब्लैक्ड आउट नहीं है गाड़ी के चारों तरफ जो डोर पे है। पीछे की तरफ आप देखेंगे जो टेल लाइट है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, मतलब ये भी थोड़ा डार्कन होता तो अच्छा लगता क्योंकि ये जो है अभी ये ऑल ये डार्क थीम जो ये रन कर रही है इसके साथ, मतलब ये ओवरऑल जैसे इन्होंने ये फॉर एग्जांपल नेक्सॉन का बैजिंग जो आप देख सकते हैं, नेक्सॉन का बैजिंग अब इन्होंने डार्क में कर दिया तो वो पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्टिव लग रहा है ये टेल लाइट। आपको एक एलईडी स्ट्रिप भी मिलेगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा और आप देख सकते हो इनफैक्ट गाड़ी अच्छी लग रही है इस कलर में। आइए चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आप देखोगे आपको एक डार्क इंटीरियर का पैक मिलेगा जिसमें आपको डोर पे आप देख सकते हो ये ब्लैक ट्राई एरो डैशबोर्ड पैनल और आप देख सकते हैं कि सीट्स पे भी यहाँ पे सीट के हेडरेस्ट पे भी यहाँ पे हैशटैग डार्क की एम्ब्रॉयडरी करी गई है। अब ऑल अपोल्स्ट्री जो है वो पूरी ब्लैक्ड आउट है एंड इनफैक्ट गाड़ी अंदर से काफी ज्यादा स्पोर्टी लग रही है। अब रूफ भी ब्लैक है सब कुछ मतलब, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत अलग टाइप का फिनिश दिया गया जैसे कि गन मेटल ग्रे और मैट का भी फिनिश यूज किया गया है बीच बीच में, तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है अब गाड़ी को। यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाएगी एसी वेंस के ठीक बीच में और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, आपके मोड्स मिलेंगे ड्राइविंग मोड्स, तीन ड्राइविंग मोड्स है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो गाड़ी को एक और भी ज्यादा स्पोर्टी स्टांस देता है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डोर पैनल पे पियानो ब्लैक फिनिश और एक ब्लैक्ड आउट थीम मिलेगा जो कि ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। एंड सेंटर आर्मरेस्ट अवेलेबल है आपको अगर आप दो लोग जा रहे हैं पीछे, और इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको एसी वेंट भी मौजूद है जो कि कैबिन को काफी जल्दी ठंडा कर देता है। एंड सनरूफ आप देख ही सकते हैं कि सनरूफ थोड़ा सा छोटा है बट एनीवे यहाँ पे आप देखिए जो स्ट्रिप रन कर रही है ये ब्लैक्ड आउट नहीं है, इनफैक्ट ये भी अगर मैट ब्लैक में फिनिश कर देते तो काफी अच्छा लगता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।